मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपने एसएससी प्री 2019 की सीरीज चल रही है मैथ्स की, और उसमें लगभग 70-80% अपने पेपर हो चुके हैं। आज का जो पेपर है, आज अपना जो पेपर है वो 7 मार्च शिफ्ट सेकंड का पेपर है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपको अपने जो भी क्वेश्चन करेंगे पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर सीधा उसको टिक करेंगे। अब आपको आइडिया लग गया है सारों को, जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले उसको रिवाइज़ करते रहना कि अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है, क्योंकि पेपर चल रहे हैं ये। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन है, देखो आप सर्किल से है कि किसी भी सर्किल की अगर रेडियस को 11% अगर कम कर दें तो उसके एरिया में क्या चेंजेस होंगे। देखो आपको पता है कि किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब आप कंपैरिजन करते हो तो कांस्टेंट वैल्यू का रूल ख़त्म। आर स्क्वायर मतलब वेरिएबल यूज़ कितनी बार हो रहे हैं, 2 बार। अगर कोई भी वैल्यू 2 बार यूज़ होती है तो उसे हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले मेथड से कर सकते हैं। 11-11 का मतलब क्या हुआ है, -11 -11 माइनस के 22 में एक्स वाई मतलब 11 × 11 121/100। 1.21 अगर 22 में से अगर डिफरेंस देखेंगे तो 21 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो 79 के साथ कनेक्शन है, ऑप्शन नंबर हुआ फर्स्ट। आपको ऐसे टिक करने, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब आपको आइडिया लग गया है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 अगर कमी हो रही है तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस के 11 एक्स वाई प्लस माइनस के कितने हुए 22। माइनस के 22 में अगर अपने प्लस के 1 पॉइंट कितना हुआ, 2 1 अगर आप ऐड करेंगे, देखो यहाँ तो 0.00 हुआ, ये आपको बता रहा है कि 79 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हुआ 20.79। माइनस ये बता रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो पहले से क्या होगा, डाउन। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर पॉजिटिव इंटीजर n को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 2। अगर आप उसी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो उसका शेषफल आपको बताना है क्या है, और निम्न में से किस नंबर से। देखो आप अगर आप सोचो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 9, क्योंकि वो दोनों जुड़ जाते हैं। इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं जिसके अंदर आपने फैक्टर बताने थे, क्योंकि 9 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। अब ये कह रहा है कि 9 आपके पास n का रिजल्ट कितना हुआ, 9। अब ऑप्शन में 9 में क्या जोड़ें या क्या कम करें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। पहला ऑप्शन देखो, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 नहीं होगा। दूसरा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 7 से डिवाइड है, यस। आंसर कितना हुआ, बी। लेकिन इसको करना कैसे है, करना तो ऐसे ही है जो मैंने आपको बताया, एन को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है इसका 2। इसका मतलब ये नंबर कितना होगा, ये जुड़ जाएंगे, ये कितना हुआ, 9। एन की जगह कितना होगा, 9। अब आपको और नंबर बताना है कि कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा। इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 9 और 5 14, जो नंबर आपका किससे डिवाइड है, 7 से। इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ, ये n है, ये आंसर हुआ आपका n+5। ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फिर बेसिक सा क्वेश्चन है, a+b³ का आपको आंसर बताना है क्या है। देखो आपको बताए a+b³ क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab² अगर अपने a³ के हिसाब से देखें, आप ऐसा नहीं क्या फॉर्मूला अप्लाई करने लगे जाओ। आप देखो a³ में क्या होना चाहिए, x³/27 आना चाहिए। आप चारों ऑप्शन में पहली नंबर पढ़ो, आप सी और डी रिजेक्ट हो गया, आपको सी और डी रिजेक्ट हो गया तो आपका आंसर है ए और बी में। अगर बी क्यूब देखें तो y³/125 वो ए और बी दोनों में आ रहा है। 3a² b 3 x² 9 और y × 5, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 5 कितना होगा, 15। मतलब सेकंड वाले टर्म्स में 15 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हुआ सेकंड। करना कैसे है वो आपको बता देता हूँ, समझ गए होंगे अब आप। इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है। देखो a+b³ क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² a³ + b³ के बेस पर अपनों ने क्या किया, सी और डी को किया रिजेक्ट। बी क्यूब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में सेम, देख लो आप y³ और नीचे 125 आ रहे हैं। यहाँ से आपका फर्स्ट और सेकंड में एक आंसर सही और एक आंसर क्या है, गलत। 3a² कितना है, x² / 9 और b कितना है, y/5। ये कट गया आपस में, आपका जो आंसर है x² / y/15 वाला, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है, और जब भी कोई आदमी इतने दिनों में काम करता है तो MDH वाले फॉर्मूले से करते हैं। देखो क्या है, एक अनुबंध जो है वो 75 डेज के लिए किया जाता है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में 187 लोग काम करते हैं, और हर व्यक्ति हर रोज़ कितना काम करता है, 15 घंटे। 65 दिन बाद ये पता लगा कि काम का 60% ही हुआ, 3/5 में तो 60%। कितने और लोग उसमें लगाए जाएं, कि काम तो उसी टाइम पे होना चाहिए, मतलब बाकी के 10 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए, और अब हर रोज हर जो प्रत्येक व्यक्ति है वो हर रोज़ काम कितना कर रहा है, 17 घंटे। देखो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ लिखना होता है मैन वीमेन, जो भी मैन पावर है। यहाँ आएगा डी, यहाँ आता है एच, यहाँ आएगा आपका ई, और यहाँ आता है डब्ल्यू। सबसे पहले मैन देखो कितने लग रहे हैं इसमें, कितने लोग काम कर रहे हैं, 187। डी मतलब डेज, 75 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 75 डेज। पता कितने दिन बाद लगा, 65 दिन बाद, 65 हो गए। हर रोज़ कितना काम कर रहे हैं, हर रोज़ काम कर रहे हैं 15। ई का मतलब एफिशिएंसी होता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसको छोड़ दो, चाहे आप यहाँ डब्ल्यू की जगह अपने लिखें। डब्ल्यू में क्या होता है कि जितने लोग ज़्यादा होंगे काम उतनी जल्दी होगा, समझ रहे हैं आप। डब्ल्यू वाली वैल्यू को उल्टा करके लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, जब मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा तब इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। कि 3/5 का मतलब 5 में काम कितना हुआ, 3, इसका मतलब इसका जो काम होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू। और यहाँ कितना होगा, अब बचा कितना है काम, 2। 5 पेज टाइप करने से 3 हो गए, बचे कितने, 2। काम को उसी टाइम पे करवाना है, 75 डेज में कितना हो गए, 65 हो गए, तो बचे कितने, 10। अब हर रोज आदमी कितना काम कर रहा है, 17, ये आ गया 17। कितने और लोग काम पे लगाए जाएं, 187 तो काम कर ही रहे हैं, प्लस एक्स। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करनी, देखो क्या है, आप इसे देखो 17 × 11 = 187, क्लियर है। और यहाँ देखो आप, ये आ गया आपका 30 और ये हो गया 30। इस जगह पर अब आपको सॉल्व नहीं करना है, देखो कैसे, 65 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 5, और यहाँ कितना हुआ, 7। ये नंबर बड़ा है, अगर मैं 5 में से 7 कम करूँ तो मेरे को एक नंबर, एक उधारा लेना पड़ेगा, मतलब जिसे आप कैरी बोलते हो, हासिल ले ली, जिसे किसे बोलते हैं अपने। 5 मतलब 5 चेंज हो गया आपका 15 में, 15 में से 7 माइनस किए तो लास्ट में आपका आंसर आना चाहिए 8, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर हुआ सी। आप क्या करते हो, पूरा सॉल्व करने लग जाते हो, मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके पास नंबर ये बचे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5, 187 प्लस एक्स। जब आप इस नंबर को इधर माइनस करोगे, 5 में से 7 माइनस करेंगे ये वाला नंबर, तो 15 में से 7 माइनस किया तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 8। पूरा सॉल्व नहीं करना है ये चीज़, आज चाहे आज समझ लो, चाहे आप 6 महीने बाद समझ लेना, जो बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन करेगा उसी के सिलेक्शन होगा कम टाइम के अंदर। सिलेक्शन ये नहीं कि आपको 2 साल में हो सिलेक्शन है, सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही, ये क्वेश्चन देखो आप कितना ईजी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का रिजल्ट दे रखा है, ABBCCA का दे रखा है, और ये पूछा है आपसे, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ABBCCA और CA। 300, इसका डबल कितना हुआ, 50 का डबल 100, 300 100 कितना हुआ, 400, इसका स्क्वायर है वो, और अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर कितना आएगा, 20। ऑप्शन नंबर आपका है सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ABBCCA और CA। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हुआ, 300 हुआ, ये हो गया आपका 300, ये नंबर यहाँ से यहाँ तक। अगर आप इसका डबल करोगे, इसका देखो आप, ये 50 हुआ, इसका डबल किया तो कितना हुआ, 100, कितना हो गया, 400। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आ गया, 20। ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ज्यामिति से रिलेटेड है, उसने लिखा कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 50, अगर इसका बेस है 18 तो जो इक्वल साइड से हमें वैल्यू बतानी क्या है। देखो समद्विबाहु नाम से क्लियर हुआ है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसे आइसोसेलेस बोलते हैं। 50 में अगर एक मान आपका 18 है, बेस आपका 18 है, तो 50 में से 18 कम कर दो, कितना बचा, 32। 32 दो हिस्सों में बटेगा क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, तो प्रत्येक साइड कितने की हुई, 16 की। आपका आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ, डी। देखो
कहते हैं ना कि देखो जब आपका दिमाग चलता है तो उस जगह पे आपका पेन रुक जाता है ऑटोमेटिक, अगर पेन चलता है तो दिमाग रुकता है। एग्ज़ाम में दिमाग चलना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे हैं, प्री के अंदर तो कई पेपर अपनों ने किए, जैसे कल किया था वो 100% ही ऐसा था जिसको आप मुख्य कर सकते हैं। तो आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए, ना कि आप लिख लिख के करो, ये तो मैं आपके कि एक नोट्स बन जाए, आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। ये आपने ट्रायंगल बनाया, आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है, सबकी साइड का टोटल कितना है 50, बेस कितना है 18, ये 18 है। देखो 50 में से 18 कम करेंगे तो कितना हुआ 32, दो बराबर हिस्से होंगे तो 32 के दो बराबर हिस्से कौन से हुए 16 और 16। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, समान भुजा का मान, तो आंसर कितना आ गया आपका 16 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप बातचीत में टिक कर सकते हैं। देखो क्या है, ये कह रहा है यदि 18 पुरुष 35 दिन में एक खेत काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे। देखो MD अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 35 जो रिजल्ट हुआ वो 21 के साथ होना चाहिए। 35 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, आप 20 और 2 मान लो 18 को, 35 को 20 से गुणा किया कितना हुआ 700, 2 और कम कर दो 70, 700 में 70 कम किए तो कितना हुआ 630। 630 को अब 21 वाले के साथ अरेंज करना है, 630 का अगर एक फैक्टर 21 है तो दूसरा क्या होगा 30, ऑप्शन नंबर हुआ आपका बी। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है आपको, 18 × 35 MD और ये किसके बराबर है 21 × कोई भी नंबर, ये कितना हुआ देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 630 आएगा, और अगर आप इसको 21 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ गया आपका 30। इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका CISI से रिलेटेड है, चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कोई राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक साल में 1250 और तीन साल में 1458 रुपये हो जाती है, रेट अगर वही रखें, टाइम पीरियड अगर आप 5 × 2/5 कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो CISI में 90% क्वेश्चन जो आते हैं दोनों को कंबाइंड करके आते हैं। देखो कैसे समझेंगे, कोई राशि जो है वो एक साल बाद तो अमाउंट हो गया, किस में बदल जाती है 1250 में, और तीन साल बाद किस में बदलती है, तीन साल बाद बदलती है वो 1458 में। अब आप दिमाग लगाओ, इन दोनों के बीच का, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 2 साल का। 2 साल के गैप के लिए क्या है कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के उनका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वहां से आती है रेट। अगर 3 साल का गैप होता दोनों में तो क्यूब रूट लेंगे, घनमूल। क्लियर, देखो ये सबसे पहले कैंसिल हो रहा है 2 से, अगर आप 2 से कैंसिल करोगे इसे तो ये रिजल्ट हुआ आपका 625 और ये रिजल्ट हुआ आपका 729। टाइम पीरियड इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2 साल का, 2 साल का अगर गैप है तो यहाँ वैल्यू लेंगे वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल यहाँ देखो 625 का कितना हुआ 25 और ये कितना हुआ 27। क्योंकि आप सोचो अगर एक साल में रेशो 25 और 27 है और नेक्स्ट ईयर भी 25 और 27 है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यही तो मिलेगा रिजल्ट आपको। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साल की इन्फॉर्मेशन को बता रहा है कि एक साल में आपके पास रुपए थे 25, एक साल बाद वो कन्वर्ट किस में हो गए 27 में। अब आप देखो कि 25 और 27 में यहाँ आप रेट भी निकाल सकते हो और यहाँ पी भी निकाल सकते हो। आप यहाँ से कितने का इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट लगा 2 का, किसके रिस्पेक्ट में 25 में, तो 2/25 × 100 ये कट गया आपस में, रिजल्ट आया यहाँ से 8%, ये होगी रेट, ये आपके पास आ गया R। क्लियर है यहाँ तक। अब आप सोचो कि ये कह रहा है कि ये आपके पास 25 रुपये थे, आपने किसी को दिए, 2 रुपये ब्याज हुआ, एक साल बाद वो बदल गए 27 में, इसका मतलब ये 27 जो है वो एक साल वाला अमाउंट जो कौन सा था 1250, इसका मतलब ये 27 की जो वैल्यू है, ये 27 जो है वो किसके बराबर है 1250 के बराबर है, क्योंकि एक साल बाद तो यही था। क्लियर है ना ये चीज़, यहाँ से अपने को 25 का रिजल्ट लेके आना है, मतलब अपने को पी निकालना है, तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर 25 की वैल्यू देखें तो 1 के लिए तो ये डिवाइड हो जाएगा और 25 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आ गया पी। अगर आप पी का RT करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। आर कितना है देखो, आर कितना है 8%, ये 8% हो गया, ये 8% हो गया। टी कितना है, टी 5 × 2/5 मतलब 27/5, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका SI।
सिंपल इंटरेस्ट देखो, 27 से 27 कट गया, ये कट गया आपका 5, और ये नंबर हो गया आपका, इससे कट गया, और ये हो गया आपका 40 में 10 का भाग दिया, कितना हुआ 4, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 और 100 फाइनल जो आंसर है वो कितना आ गया, 500 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। दोबारा से समझ लो, देखो इसमें समझने वाली क्या बात है कि 2 साल का गैप है, तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ जो नंबर आएगा वो 1 साल की इन्फॉर्मेशन को बताएगा। बाद वाला नंबर ये है, यहाँ से पी आ गया, आर आ गया, पी का आर टी कर देंगे तो वो क्या होता है, एस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन अपनों ने इससे पहले वाली शिफ्ट में भी किया है, उसमें अगर आपको ध्यान हो दिल्ली से शिमला वाली ट्रेन की बात हो रही थी, 2 ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए, वाराणसी से लखनऊ, मतलब दोनों का डायरेक्शन है सेम, सुबह 11 बजे और 11:30 बजे चलती हैं। पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो 110 है, बाद वाली की 140 है। दोनों ट्रेनें जब मिलेंगी, आपस में मिलेंगी, जब उसे क्रॉस करेगी, वो वाराणसी से कितनी दूरी पे है। देखो पहले क्वेश्चन की तरह करते हैं, जैसे मैंने पहले वाली शिफ्ट में समझाया था, जैसे 11 बजे कोई ट्रेन चली और 11:30 बजे, 11 से 11:30 में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में आधा घंटा एक्स्ट्रा चली, और इसकी स्पीड कितनी, 110। अगर 110 स्पीड है तो इसका मतलब आधे घंटे में वो कितना चली, 55। क्लियर है? अब जैसे 55 का गैप हुआ, ये ट्रेन जा रही है, अब दूसरी ट्रेन भी स्टार्ट हो गई इधर वाली, अब ये वाली ट्रेन इसकी तुलना में कितना एक्स्ट्रा जा रही है, ये जा रही है 110 और 140 में गैप कितना हुआ, 30, तो ये 30 से कवर करेंगे। ये आ गया आपके पास, ये क्या है, टी है। अगर ये टी है, अगर इसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन ये कौन सा है, सेकंड वाली ट्रेन का ही, उसकी स्पीड कितनी, 140। अगर आप इसको 140 से गुणा कर दोगे, यहाँ टी इंटू एस, ये हो गया डी, तो ये डिस्टेंस आ गया वाराणसी से कितना दूर है। देखो ये आपस में कट गया, 55 को 14 से गुणा किया, देखो आप 14, इसको 50 और 5 मान लो आप, 770 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 25 इंटू 3 कितना होता है, 75, तो 20 एक्स्ट्रा है, तो मतलब 6 18 पे जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 256, और 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर है आपका डी। सेम क्वेश्चन है, इससे पहली शिफ्ट में भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में आपको लास्ट में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आधे मिनट से ऊपर तक का समय ले जाएगा, ये धीरे धीरे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में करोगे 100% है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर दोबारा से करोगे टाइम वेस्ट होगा। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास में, और इसका मतलब सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करें, फ्रैक्शन का तो बोर्ड मास पे कोई इफेक्ट नहीं है, 1 से 1/8 का मतलब क्या हुआ, 9/8, 1/8 का मतलब क्या हुआ, 9/8 डिवाइड। अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, पूरे ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व होगा आपका ऑफ, देखो ये नंबर तो आ ही गया आपका, ये कितना आ गया, 17/4। अपने क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे देखो आप, इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3/5, और ये हो गया आपका 17/2, 51/10। लेकिन जैसे आप इंटू करोगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10/51, ये ब्रैकेट। क्लियर है? यहाँ माइनस टू अपॉन फाइव, ये रहा नंबर -2/5, आधे मिनट से ऊपर टाइम लेगा ये क्वेश्चन, ये कितना है, 4/3। जैसे ही आप इंटू करोगे तो नंबर चेंज होगा, लेकिन आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, BOD, पहले बोर्ड मास में BOD MAS, ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर डिवीजन आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इससे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 4/5 इंटू, ये कितना हो गया, 5/3। इसका मतलब जैसे ही आप यहाँ इंटू लिखोगे तो ये 4/3 जो है ये आपका चेंज हो जाएगा 3/4 में, और लास्ट में जो नंबर है आपका 11/20 वो तो आएगा ही आएगा, 11/20। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर कट गया, ये 17 और ये कितना हुआ 3, ये 2 से कट गया, ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 5। अब फिर लिखो आप, जैसे आपने लिखा 9/8 और ये हुआ आपका इंटू, चेंज हो जाएगा, ये कितना हुआ 6/5, माइनस ये कितना हुआ 2/5,
प्लस 11/20। यहाँ देखो ये किससे सॉल्व हो रहा है, देखो आप ये दो से कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ गया आपका 3, ये कितना आ गया 4। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आया 20, इसका एलसीएम कितना आ गया 20, ये कितना हो गया आपका 27। 5 × 4, 20 में 5 को डिवाइड किया 4 × 2 कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ 11। ये होगा 38 में से 8 गए तो कितना हुआ 30, 30/20 मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/2 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। एग्जाम में करना है लास्ट में, ये ध्यान रखना आप, नहीं तो ये कई क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर देगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DIE का क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है कि यदि आज तक कुल 5000 C मोबाइल फ़ोन अगर बेचे जाते हैं तो एक वर्ष से अधिक पुराने कितने, एक वर्ष से अधिक आप पढ़ो उस टेबल के अंदर पढ़ो कि 1 year old C वाला कौन सा है 10%, तो इसका मतलब 10 एक उसको हटा दो आप 10% को, तो बाकी जो बचे 90% इसका आंसर होगा। 5000 का 90% कितना हुआ 4500, 4500 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, क्योंकि 1 year तक तो कितने हैं 10%, जो बचे गए 90%, तो फाइनल आंसर आपका कितना हुआ 4500, ऑप्शन नंबर है आपका C इस क्वेश्चन का आंसर, नॉर्मल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है कि चतुर्भुज PQRS में RM जो है वो परपेंडिकुलर है QS के, और इंग्लिश में देखो आप ऊपर PN भी QS के परपेंडिकुलर है, QS RM की वैल्यू दे रखी है, PN दिया हुआ है, तो आपको एरिया बताना है PQRS का क्या है। देखो इस PQRS अपनों ने बनाया, PQRS क्वाड्रिलेटरल है, कैसे मर्जी बना दो आप, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज है, अपने को ये नहीं बताना कि वो समांतर है या आयत है वर्ग है, कोई भी बना लो आप। PQRS कौन सा नंबर है, पी ये क्या है क्यू आर और ये क्या है एस, जब आप लिखते हो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पी क्यू तो यहाँ आर ही आएगा, आर आप यहाँ नहीं लिखोगे नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में क्यू एस दे रखा है, देखो क्यू एस इसको मिला दो आप, क्यू एस मिला दिया, ये कितना है 6, और R से RM ये परपेंडिकुलर है RM, और P से PN ये आपका PN परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। RM की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो RM क्वेश्चन को पढ़ो आप, RM कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, RM दे रखा है 3। P से अगर N की बात करें ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2, और SQ कितना दे रखा है, SQ दे रखा है 6। अगर आपको ध्यान हो इसका जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं, हाफ डी, डी मतलब डायगोनल विकर्ण कितना है 6, और ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इनका सम, हाफ डी H1 + H2, एच मतलब हाइट, 2 + 3 ये कितना आ गया 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो आपको करना कैसे, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो क्या है आपको क्वेश्चन कैसे रीड करना था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, PQRS, PQRS है आपको पता है, जो डायगोनल होता है वो PR और QS होता है, क्योंकि डायगोनल का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए अच्छा QS है तो इसका मतलब ये डायगोनल की बात कर रहा है, और QS पर इसने वो पहले ऊपर दे रखा है, देखो आप RM और PN क्या है परपेंडिकुलर है, ये डायग्राम ये आपके दिमाग में बनना चाहिए, तो इसका मतलब हाफ इंटू 6 और उन दोनों का टोटल 5, तो 5 × 3 कितना हुआ 15 इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि डायगोनल इस तरीके से आपको देखना है, ना कि ये बनाना है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, ये कह रहा है एक दुकानदार वस्तु की लागत मूल्य क्या है एक्स, लागत मूल्य मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले 15% इंक्रीज करता है मार्कअप प्राइस पे लेकर जाता है, फिर 25% का डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस में बदल जाता है, आपको CP से SP का सफ़र बताना है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। सबसे पहले CP कितना है, परसेंटेज है तो हमने मान लिया 100, कितने परसेंट इसको इंक्रीज करता है 15, ये CP हुआ, मार्क प्राइस MP कितना हुआ 15% इंक्रीज किया तो 115, डिस्काउंट दिया 25% का, देखो डिस्काउंट अगर 25% है तो इसका मतलब ये 75% हुआ, 75% को आप क्या लिख सकते हो 3/4, अब ये यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, तो रेशो आपको बनाना है CP और SP का, इन दोनों में देखो आप अगर इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये नंबर कितना हो गया आपका 400, और ये नंबर कितना हो गया 45, 345,
इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 55 400 में बताना है। अगर आप इसको 100 बना देते हो आप, तो ये परसेंटेज में आएगा। तो इसका मतलब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। जैसे आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर है वो 13 पॉइंट समथिंग आया, और 14 के बिल्कुल पास, क्योंकि 14 इंटू 4 56 होता है, तो 13 पॉइंट समथिंग। देखो आप, आपका बी और सी रिजेक्ट हो गया 13.5 और 13.75 में। अगर आप 3/4 एक्स्ट्रा है, जो आपका रिजल्ट 75 दिखाएगा, 0.75, मतलब आपका आंसर कितना हुआ, डी। इसको लिखेंगे कैसे, 55/400 इंटू 100 नहीं करना, अब धीरे धीरे समझो इसका मतलब। इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब, अगर ये 100 बना दिया आपने, ऐसे समझो आप, तो 4 से डिवाइड किया, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 13.75%, डी इसका आंसर है। देखो, अपनों ने पार्ट आपका ए में, मैं अभी इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फिर पार्ट बी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो क्या वीडियो की लेंथ ज़्यादा बन जाएगी। देखो, आप में से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे ऐसे हैं कि बहुत कम बच्चे हैं, सारे नहीं कह सकते, जो पूरी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब के अंदर आप इसके सॉफ्टवेयर में जाके ये आप एनालिसिस कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर जो नहीं देख रहे, तो भाई मैं आपको ये समझा दूँ कि अगर आप अभी भी लॉकडाउन के अंदर ये चीज़ें नहीं समझे, जो बच्चा अगर इस कोरोना की मार से भी अगर नहीं समझा, वो लाइफ में कभी नहीं समझ सकता। आपको भी पता है कि इसके बाद के रिज़ल्ट क्या होंगे। अगर आप में टैलेंट है, कहीं ना कहीं लग जाओगे आप, नहीं तो जो हालात जो आने वाले टाइम में होगी, इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप फिर भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई साहब फिर आपको, आप समझ लो कि फिर आप आँखों पे पट्टी बांधने वाली बात है। दूसरों को बेवकूफ़ बनाओगे तो खुद ही आदमी खुद बनता है बेवकूफ़, ये याद रखना ये बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को समझो। अगर ये मत सोचो कि कितने क्वेश्चन कराए हैं, कितने नहीं कराए, आप सोचो जब से यूट्यूब चैनल आपका स्टार्ट हुआ है, हर रोज़ मैंने आपको वीडियो दी है, हर रोज़, और ये कंटिन्यू ही रहेगी। 5 क्वेश्चन करो, 10 करो, 15 करो, कंटिन्यूटी आपकी रहनी चाहिए। और आप लाइक ज़रूर किया करो, जितने स्टूडेंट देखते हैं उसका 1/4 तो आप लाइक करते हो। आप लाइक करो, इससे कम से कम हमें तो मोटिवेशन मिलेगा। आप इतना काम तो कर ही सकते हो, कौन सा इसमें भी GST लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि इस पर GST लग रहा है। कि आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल दी बेस्ट।